के माध्यम से जो घर बैठ के प्रेक्षक इस मुकाबले का नजारा करते हुए उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। जी हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सभी कार्यकर्ता का हम हार्दिक स्वागत करते हैं यहाँ पर। इसी के साथ फाइनल मैच यहाँ पर पहली गेंद और पहली गेंद जो है वाइड करार दी गई है यहाँ पर। अंपायर पाटिल एक बार फिर एक्शन में आ चुके हैं, तो एक रन से यहाँ पर खाता खुला यहाँ पर अजर 11 का। काफी बढ़िया शॉट यहाँ पर हवा में खेला गया, देखते क्या हो सकता है यहाँ पर। जी हाँ, दो रन। तो दो रन डिक्लेयर यहाँ पर। तो तीन रन यहाँ पर, तो इनिंग की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। फाइनल मैच जो है चार ओवर का खेला जाएगा, तो चार ओवर का मैच ये है 2019 विले पार्ले चैंपियंस ट्रॉफी 2019 लाइव आप सीधा प्रसारण दे सकते हैं यूट्यूब पर। मोहन पहले गेंदबाजी करते हुए आदर्श की ओर से, और जयू ने काफी घुमा दिया है यहाँ पर, लेग साइड दौड़ करके एक रन ले लिया। तो फाइनल मुकाबला है, जी हाँ, काफी बढ़िया मैच। फाइनल मुकाबला 2019 चैंपियंस ट्रॉफी, विले पार्ले चैंपियंस ट्रॉफी 2019, जिसका आयोजक किया है भारतीय जनता पार्टी के सचिव श्री कार्तिक सोलंकी ने, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, काफी बढ़िया क्रिकेट का आयोजन किया है। और धीरज भाई आप क्या कहेंगे? ज़रूर, यहाँ पर इस टूर्नामेंट के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सचिव श्री माननीय कार्तिक भाई के हस्ते ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। एक बार फिर यहाँ पर हवा में स्ट्रोक यहाँ पर खेला गया है चेतन द्वारा, देख सकते यहाँ पर क्या होगा। अंपायर का इशारा, तो अंपायर का इशारा जो है एक रन। लंबा स्ट्रोक खेला था, ऊपर हवा में गेंद गई थी और एक रन। बैकवर्ड पॉइंट पर ये एक रन का इशारा आता हुआ। इसी के साथ स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। चेतन और जयेश की जोड़ी फाइनल मुकाबला यहाँ पर खेलती हुई, और चार ओवर का ये मुकाबला चलता हुआ। गेंदबाज के रूप में मोहन, एक बार फिर ये हवा में गेंद, और बार लपक सकते थे लेकिन नहीं, काफी ऊपर से गेंद चली गई हाथों के बीच में से राकेश के, तो एक रन और कैच ही था। यहाँ पर लंबी छलांग लगाई थी उन्होंने, लेकिन हाथों को चकमा देकर गेंद गई थी यहाँ पर मिड विकेट के क्षेत्र में। स्क्वायर लेग की दिशा पर डिक्लेयर जोन में एक रन का इशारा आता। और चेतन एक शानदार बल्लेबाज है अपनी टीम के लिए, इसके पहले उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी शानदार पारी खेली और टीम को 50 रन तक पहुंचाया। अब यहाँ पर कप्तानी पारी खेलते हुए, शायद मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मुकाबला है, फाइनल मुकाबला, यहाँ की दूसरी बार चैंपियन टीम होने के लिए ये आदर्श क्रिकेट क्लब संघर्ष करेगी। पहले 2018 में उन्होंने एक बार फिर यहाँ पर अंदर घुसे क्रीज के और घुमा दिया लेग साइड, तो पहला चौका। ये चैंपियनशिप उन्होंने गए साल में भी जीती थी, आज यहाँ पर फाइनल में खेलती हूँ। बहुत बड़ा मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ आदर्श क्रिकेट क्लब और अजहर 11 के बीच। दोनों ही टीम यहाँ पर संघर्ष करेगी, क्योंकि ये कड़ा मुकाबला है। ये जो वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी यहाँ पर जो आप सभी को देखती हुई चमचमाती हुई ट्रॉफी, इसके लिए यहाँ पर जंग छिड़ी हुई है। देखना चाहेंगे कौन सा कप्तान इस ट्रॉफी को अभी आधे घंटे के बाद उनके रस्ते में होगा। जी हाँ, सही कहा आपने, एक बार फिर यह फुल टॉस गेंद, और तो तीन कंटिन्यू जो स्ट्रोक लगाए गए वो लेग साइड के ऊपर से ही लगाए गए हैं, तो दो रन, अब की बार दो रन मिलेंगे। और मेरे ख्याल से यह पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 12 रन। तो एक अच्छी शुरुआत हुई। अब जब दोपहर का 17 जब शुरू हुआ था, जी हाँ, यहाँ पर पराग सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं मैच को दो मिनट के लिए। पराग अडवाणी सर हमारे बीच, आमदार भारतीय जनता पार्टी के, हम उनका स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। जी हाँ, पराग सर हमारे बीच अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हुए हैं। जनता पार्टी के आमदार पराग अडवाणी सर, हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप इनको देख सकते हैं सीधे ही लाइव चैनल यूट्यूब पर, सीधे साधना ग्राउंड से। इनके आने से चार चांद लग गए हैं यहाँ पर, और हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। पराग सर आपकी स्क्रीन पर,
जी हाँ, फाइनल मैच चल रहा है, काफी बढ़िया। और एक बार फिर हवा में खेला गया स्ट्रोक, देखते क्या होगा यहां अंपायर का निर्णय। चार रन, जी हाँ, ये दूसरा चौका है, तो दूसरा चौका इसी के बीच यहां पर जड़ चुका है। जय शाय है यहां पर गेंदबाजी करने के लिए हरीश। तो यहां पर जो है परा गड़बड़ी सर यहां पर हमारे बीच में आए, इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और इनका सम्मान करेंगे श्रीमान कार्तिक भाई, भारतीय जनता पार्टी के सचिव श्री श्रीमान कार्तिक भाई पराग सर का यहां पर हार्दिक स्वागत करते हुए। इसी के बीच डॉट बॉल, एक बार जोरदार तालियां हो जाए पराग सर के लिए, क्या बात, शॉल के साथ इनका सम्मान करते हुए और इनको बुके देते हुए यहां पर अब इनका सम्मान कर रहे हैं आमदार श्री पराग अडवाणी सर, भारतीय जनता पार्टी, इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉट बॉल गई थी, एक बार फिर विकेटों के पीछे घुसे अंदर और करारा प्रहार किया है, तो चार रन की बदौलत यहां पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है फाइनल मुकाबले में अजहर इलेवन का। सोलह रन, और प्रवीण कपूर सर यहां पर आए हैं विधानसभा अध्यक्ष, इनका हम हार्दिक स्वागत के मंच पर। और इसी के साथ ये गेंद गए हवा में और ये पहला झटका यहां पर, तो पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ अजहर इलेवन का, तो 16 रन एक विकेट के नुकसान पर अजहर इलेवन, क्या कहेंगे। एक मिनट, जी हाँ, यहां पर थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन 20 रन हुए हैं, एक अच्छी शुरुआत। नए बल्लेबाज आ रहे हैं राहुल जोगा, जो फाइनल कड़ा मुकाबला यहां पर चलता हुआ आप सभी नजारा करते हुए मेहमान श्री यहां पर पराग सर यहां पर आए हुए आमदार हमारे विले पार्ले विस्तार के, उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहां पर अपना उपस्थिति जो हमें दी है। यही मंच की ओर खेला गया ये स्ट्रोक, लेग साइड एक रन, काफी बढ़िया यहाँ पर, तो सबका ध्यान बटोरते हुए यहाँ पर कप्तान चेतन भाई काफी बढ़िया स्ट्रोक लगाया यहाँ पर लेग साइड की ओर। 21 रन हो चुके हैं, तो बढ़िया पारी अब तक खेली है यहाँ पर चेतन और जयेश ने, और जयेश ने अपना विकेट जो है गवाया, कैच आउट हुए थे हरीश, पैर पर डाली हुई गेंद लेग बाय के रूप में यहां पर डिक्लेयर के जोन में स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है एक रन की बदौलत, करीब करीब मेरे ख्याल से 23 रन। और इस ओवर की अभी भी आखिरी गेंद, एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर देखने को मिलती हुई और स्कोर अभी भी रुका हुआ करीब करीब मेरे ख्याल से 22 रन हो चुके हैं। नए गेंदबाज आए हुए गेंदबाजी का भार संभालने के लिए नवीन आए हुए गेंदबाजी का भार संभालने के लिए, और सामना करेंगे राहुल जोगदिया नवीन की गेंदबाजी का। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की दिशा पर खेला था, एक रन का फासला पार होता हुआ, लेकिन एक रन से संतोष समझा यहां पर।
चेतन एक तरफ से अपनी विकेट जमा कर रखी है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, ऑफ स्टंप से करीब करीब मेरे ख्याल से दो कदम दूर वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ, पाटिल सर का, पाटिल सर और उनके साथी एम्पायर का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ, हार्दिक स्वागत। बहुत ही शानदार एम्पायरिंग उन्होंने यहाँ पर की इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में, एम्पायरिंग की काफी तारीफ करनी होगी। और नवीन यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए और सामना करेंगे चेतन, खुद कप्तान है अजहर इलेवन के, और ये फाइनल का कड़ा मुकाबला चलता हुआ। आप सभी सही कह रहे हैं, एक बार फिर हवा में खेलेगा शोक ड्रेस थे वहां पर लॉगन पर मुस्तैदी के साथ फील्डिंग की एक रन, काफी दर्शक यहां पर आए हुए हैं, काफी क्रिकेट खेल प्रेमी इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आप इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं सीधे ही YouTube पर लाइव साधना मैदान से, फिले पार्ले चैंपियंस ट्रॉफी 2019 का फाइनल है ये, आदर्श और अजहर 11 के बीच में ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इसी के बीच नवीन एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर, और सीधा स्ट्रोक खेला गया एक बार फिर यहां पर दर्शक के दीर्घा में गिरती हुई, अंपायर का इशारा देखते हैं दो रन दिया गया। जी हाँ, अगर ग्राउंड के बाहर जाएगी गेंद तो फिर बाद में वो चार रन दिए जाएंगे, अगर अंदर ही गेंद गिरती है तो वो दो रन डिक्लेयर करते हैं। तीन गेंद अभी भी जाना बाकी इस ओवर की, और स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 27 रन एक विकेट के नुकसान पर अजहर 11। नवीन एक बार फिर कसी हुई गेंद हवा में खेली है, एक बार फिर देख सकते हैं कि क्या हो सकता है वहां पर दो रन, अगर ये गेंद उस ग्राउंड में जाती थी धीरज भाई तो वो चार रन डिक्लेयर होते थे, ये जरूर चौका हो सकता था, लेकिन गेंद काफी ऊपर गई थी और लहराती हुई गेंद गई डिक्लेयर जोन में, दो रन का इशारा मिला और दो रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 29। अभी भी इस ओवर की आखिरी 2 गेंद जाना बाकी, अगली गेंद आगे आकर के खेल दिया उन्होंने चतुराई के साथ बल्लेबाज ने खेला, एक रन और, किरण कप्तान जो अपने बॉलर को समझाते हुए मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। आखिरी गेंद जाना बाकी इस ओवर की, और चेतन और राहुल जोगदिया की जोड़ी अभी इस टूर्नामेंट में एक अग्रेसिव बल्लेबाजी करती होगी, एक रन की गति बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर, और जरूर यहाँ पर रन की गति बढ़ती हुई, ये जो ऑर्गेनाइजर की अब आदर्श इलेवन की यहाँ की टीम है, घरेलू टीम है, हालांकि यहाँ से मैदान से काफी परिचित है ये टीम आदर्श, यहाँ पर थोड़ा मेरे ख्याल से शायद लेग स्टंप से निकलती हुई गेंद, लेकिन डिक्लेयर में गेंद गई और एक आखिरी गेंद पर एक रन डिक्लेयर के रूप में स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है। जी हाँ, सही कहा आपने, एक रन डिक्लेयर, अगर विकेट कीपर नहीं पकड़ेंगे और वो गेंद अगर जो पीछे जाएगी तो फिर वो एक रन डिक्लेयर होगा, अतिरिक्त रन होगा। इसी के साथ लास्ट ओवर इस टूर्नामेंट का 31 रन, आखिरी ओवर का खेल खेला जाएगा, 6 गेंदों का खेल और 6 गेंदों पर अब देखना चाहेंगे यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज कितने रन बटोरेंगे, जितने रन यहाँ पर बटोरेंगे उतने ही रन वहां पर आपको बनाने होंगे आदर्श इलेवन को। हालांकि आदर्श इलेवन ने कल हमने देखा सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन किया था महालक्ष्मी बॉयज के विरुद्ध, 5 ओवर में उन्होंने 64 रन चेस किए थे, तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक एडवांटेज उनको है चेसिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर अब देखना चाहेंगे एक जो अब यहाँ पर टीम है, एक नई टीम है महालक्ष्मी इलेवन के सामने आपने खेल दिया, लेकिन अब यहाँ पर आपको इस रन आगे जो बनेंगे वो चेस करके आपको खिताब जीतना है, यहाँ पर दबाव आपके ऊपर होगा क्योंकि पहली बार आप फाइनल में आप चैंपियन रह चुके हैं, अब यहाँ पर आपको ये मैच जीतकर फाइनल दूसरी बार आपका कंटिन्यू करना है, यहाँ पर देखना चाहेंगे कितने रन बनेंगे और आप जब बल्लेबाजी करेंगे तो क्या दबाव होगा आपके ऊपर, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर आखिरी ओवर का जो गेंद है, आखिरी ओवर कौन से गेंदबाज लेके आ रहे हैं बॉलर नेम प्लीज, गिरीश यहाँ पर जो है आखिरी गेंदबाजी करने आए हुए हैं आदर्श क्रिकेट क्लब की तरफ से, पहली गेंद और ये करारा शॉट यहाँ पर फुल टॉस डाली गई गेंद, देखते कहां पर जाती है, तो अंपायर का इशारा क्या होता है, 4 रन, तो पहली गेंद पे ही चौका पड़ चुका है यहाँ पर, और जरूर यहाँ पर पहली गेंद पर चौका पड़ा तो गेंदबाज के ऊपर जरूर दबाव आएगा और इस चौके की बदौलत स्कोर की गति अब आगे बढ़ती हुई 35 रन, यानी कि अभी भी 5 गेंद बाकी है और 5 गेंद पर देखना चाहेंगे राहुल जोगदिया।
यहाँ पर मेरे ख्याल से शायद दिशा से भटकते हुए और अपनी दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए वाइड और प्लस, यानी कि अभी 37 रन 37 प्लस प्लस। तो यहाँ पर जो कमेटी का जो एक जो निर्णय है वाइड में प्लस नो में प्लस, उसके लिए गेंदबाज के ऊपर दबाव आता है, टीम का एक मनोबल बढ़ता है और विरोधी टीम का मनोबल टूटता है। अब देखिए 6 रन आए, उसके बाद यह 4 रन आए और इसके बाद एक वाइड में प्लस, यानी कि 6। सही कहा, छोटा ग्राउंड है इसके लिए ये रूल्स रखा गया है ताकि गेम में और भी दिलचस्पी बढ़े। जरूर यहाँ पर एक डिक्लेयर के रूप में और एक रन बनता हुआ और इस एक रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 38। जी हाँ, 38 रन एक विकेट के नुकसान पर अजहर 11। बड़ा मुकाबला, काफी बढ़िया इनिंग खेलिए, आज इनका दिन है और कल जो था वो आदर्श का दिन था और अब तक तो पारी यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर स्टंपिंग छूटा है, एक रन और। तो वहां पर जो है अब 39 रन यहाँ पर बने हुए। अब इस ओवर की आखिरी तीन गेंद जाना बाकी, गिरीश एक लंबा रनर अप, करीब करीब 10-12 कदमों का जो रनर अप, तेज गति की गेंदबाजी और सामना करेंगे चेतन खुद कप्तान। यहां पर इतनी ही तेज गेंद आ रही है कि यहां पर कोई कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, कवर के पीछे कुछ नहीं था, लेकिन एक रन और, एक रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 40। अब दो गेंदों का खेल है, अब दो गेंदों पर कितने रन बनेंगे, कितने रन बनेंगे गणेश भाई? अभी हम तो ये कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है, विकेट कीपर जो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है वहां पर बॉल को, अगर कलेक्ट कर ले तो फिर वो डॉट बॉल हो जाती है। और एक बार फिर ये हवा में गेंद, ऊपर एज लगी है, यहाँ पर झाड़ के बीच में से पकड़ पाना तो मुश्किल है। स्क्वायर लेग की दिशा पर का इशारा यहाँ पर 22 है, एक रन का इशारा आता हुआ, इसी के साथ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है करीब करीब मेरे ख्याल से 41 रन 41। आखिरी गेंद इस पारी की और यह फाइनल मुकाबला, कड़ा मुकाबला यहाँ पर होगा। आखिरी गेंद लेकर आ रहे गिरीश, राइट आर्म ऑफ द विकेट, तेज गति के गेंदबाज हमसे करीब आते हुए और सामना करेंगे राहुल जोगदिया, एक बड़ा सितारा। जी हाँ, नो बॉल यहाँ पर और एक नो और मेरे ख्याल से शायद प्लस में गया हुआ है एक रन, तो एक दो रन यहाँ पर मिलते हुए, एक आंतरिक गेंद और खेलने को मिलेगी और एक दो रन की बदौलत अभी यहाँ पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 43। खुद वहां पर मनोबल बढ़ाने आया है गेंदबाज का कि किस प्रकार की गेंद की जाए, उनको समझा रहे हैं कि स्लोअर वन है या फिर बाद में फास्ट कैसे डाले जाए, क्योंकि दिशा से भटक रहे हैं। जरूर यहाँ पर बड़ा मुकाबला तो बड़ा प्रेशर भी रहता है, तो इसलिए वे समझा भी रहे हैं। जरूर यहाँ पर कुछ मंत्र दिया होगा उनको कि किस तरह से गेंदबाजी करनी है, क्योंकि कप्तान की जिम्मेदारी होती है गेंदबाज को समझाना आपको। लेकिन यहाँ पर 43 रन 43 रन हो चुके हैं, अभी ये गेंद पर अगर छक्का लगता है तो 50 रन का टारगेट होगा, यहाँ पर अगर डॉट आती है तो 44 रन बनाने होंगे, लेकिन एक चुनौती होगी यहाँ पर क्योंकि ये फाइनल मुकाबला कड़ा दबाव वाला मुकाबला है। काफी बढ़िया गेंद यहाँ पर और ये बोल्ड हो चुके हैं और शायद मेरे ख्याल से तो ये एक रन मिलता हुआ शायद डिक्लेयर गेंद रूप में गेंद गई डिक्लेयर। जी हाँ, तो इसी के साथ 44 रन बने 44-45 टू विन इस मुकाबले को हासिल करने के लिए 24 गेंदों पर। जी हाँ, 4 ओवर का मुकाबला है, जल्द से जल्द मैच शुरू की जाए। कप्तान यहाँ पर सभी अपने प्लेयर को वहां पर बुला रहे हैं। लेगर एम्पायर, लेगर नॉट आउट ना उधर, धन्यवाद, थैंक यू। अंपायर पाटिल यहाँ पर आते हुए हमारे पास बॉल के लिए पूछ रहे हैं छोटे से अंतराल में। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर, ये फाइनल मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ और प्रेक्षक इस मुकाबले का तादाद में देख रहे हैं काफी, आज क्यों रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और समय निकालकर आज इस मुकाबले को देखने के लिए यहाँ पर प्रेक्षक आए, मेहमान हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। पराग सर, उनकी पूरी टीम और भारतीय जनता पार्टी के सचिव कार्तिक भाई, उन्होंने इस टूर्नामेंट को जो ऑर्गेनाइजर करने का निर्णय लिया, उनकी कमेटी ने पूरी मेहनत की, 2-3 महीने के अंतराल ये मेहनत के बाद ये टूर्नामेंट आज सफल यहाँ पर फाइनल मुकाबला आप सभी देखते हुए। और एक अच्छी यहाँ पर इस क्रिकेट के अगर मैदान की मैं बात करूँ तो बहुत बड़ा मैदान है, आप देखिए एक तरफ दोनों तरफ स्कूल वगैरह है और सामने एक बड़ा सा मंदिर और पीछे यहाँ पर रेसिडेंसी, तो ये चारों तरफ ये बिल्डिंग और मंदिर के बीच में घिरा हुआ ये मैदान,
और विले पार्ले का यह मैदान एक शानदार क्रिकेट के लिए यहाँ पर हम सभी को उपलब्धि देता हुआ, बड़ी बड़ी क्रिकेट श्रृंखला इस मुकाबले में या इस टूर्नामेंट में यहाँ पर खेली हुई है। उसके बाद हमने देखा इसके पहले जो दो हफ्ते पहले एक लाख की और एक बड़ी क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन हुआ था, वहाँ पर यहाँ बड़ी बड़ी मुंबई की और मुंबई के बाहर की टीम यहाँ पर इस मुकाबले मैदान पे खेल चुकी है और बड़े बड़े मुकाबले बड़ी बड़ी क्रिकेट श्रृंखला इस मुकाबले में यहाँ पर देखने को मिलती हुई हमें कई बार हमने देखा है, बड़ी बड़ी क्रिकेट श्रृंखला आयोजित हुई है और आज यहाँ पर यह गुजराती भाइयों की बड़ी क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन। और मैं विनंती करता हूँ एम्पायर और मैं विनंती करता हूँ ऑर्गेनाइजर के कप्तान से कि अभी हमारे पास फ्लड लाइट्स की कोई सुविधा नहीं है, तो आप प्लीज़ जल्द से जल्द ओपनर बल्लेबाज भेजिए, क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ी देरी होगी तो एक अंधेरा चाया जाएगा और खेल में थोड़ी रुकावट आ सकती है। तो इसी के साथ दूसरी पारी की शुरुआत हो रही है। अब यहाँ पर धन्यवाद कंटिन्यू। जी हाँ, आदर्श क्रिकेट क्लब के दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर क्रीज पर आ चुके हैं, कुणाल और द्रेस, जिन्होंने कल आतिशी पारी खेल करके मैच को जिताया था। 64 रन चेस किए थे 35 ओवर में, तो आज भी ऐसा ही कुछ लक्ष्य है, चार ओवर में 45 रन करने हैं, तो 24 गेंद में 45 जरूर। कल उन्होंने 30 गेंदों पर 64 रन चेस किए थे, बहुत ही बड़ी काबिल तारीफ मैं तारीफ करना चाहूँगा ऐसे बल्लेबाज की, कुणाल और द्रेश की और उनकी टीम की, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी मैच को उन्होंने जीता था, सेमीफाइनल का मुकाबला था, कड़ा मुकाबला था, सेमीफाइनल में उन्होंने महालक्ष्मी बॉयज़ को पराजित किया था और ये फाइनल मुकाबला एक घरेलू मैदान पर अपने परिचित मैदान पर खेलना, क्योंकि यहाँ की जो वातावरण है उनके लिए पूरी तरह से शूट होता हुआ और एक डिक्लेयर के रूप में एक रन मिलता हुआ, एक रन से खाता खोला। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जीरो से हीरो की शुरुआत, तो भारतवर्ष में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हीरो से शुरुआत की, जीरो से शुरुआत की। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, जीरो से हीरो से हीरो की शुरुआत की और आज भारत के प्रधानमंत्री वह है, देश का नेतृत्व करते हुए विश्व में एक अपना डंका बजाते हुए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे भारत के, भारतवर्ष के लिए। जी हाँ, सही कहा आपने। और अब तक अगर मैच की बात करें तो खाता खुल चुका है, मैच शुरू हो चुका है। काफी बढ़िया शॉट यहां पर ऊपर से खेला गया है, तो यही गेंद गिरी है हमारे पास, एक रन। ड्रेस फाइनल मुकाबला आप सीधा ही देख सकते हैं यूट्यूब पर लाइव, काफी तेज गेंद, कसी हुई गेंद, जहां पर अजहर 11 की हम बात करते हैं तो वहां पर उनके पास काफी अच्छे गेंदबाज है, तेज गति से डालते हैं और आज काफी बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी भी की है। वहीं देखा जाए तो बल्लेबाज जो है यहां पर डॉट पे डॉट हो रही है, बड़ा स्कोर है, बड़ा मैच है, तो वे चाहते हैं कि डॉट ना निकालें और कुछ बड़ा स्ट्रोक अगर लग जाए, कनेक्ट हो जाए, तो कुछ 6 या 4 रन मिल सके, तो गेम में वापसी कर सके। एक बार फिर ड्रेस सही दिशा से परखा लेकिन नहीं, कुणाल ने उनको नकार दिया कि रन नहीं लेंगे। इसी के साथ पहली ओवर की समाप्ति, 3 रन बिना किसी नुकसान के आदर्श। दूसरी ओवर, धन्यवाद, जरूर यहाँ पर दबाव है आदर्श क्रिकेट टीम के लिए ऊपर, क्योंकि दबाव यहाँ कर यहाँ की जो टीम है घरेलू टीम है वो फाइनल में खेल रही है, प्रेशर उनकी उम्मीद लगा के बैठे हुए कि वह फाइनल जीते और जो कप है फाइनल विजेता का वो उनके हिस्से में रहे, लेकिन एक कड़ा मुकाबला है यहाँ पर, फाइनल मुकाबला है, टीम के ऊपर जरूर दबाव है लेकिन कोशिश जरूर करनी होगी। और कहते हैं कि लहरों के सामने जो नैया है वो पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ यहाँ पर देखिए एक लंबा शॉट लगाते हुए मिड ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 2 रन का इशारा आता हुआ, 2 रन की बदौलत यहाँ पर स्कोर बढ़ा हुआ है टीम का 6 रन। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर, 3 रन बने थे और ये 6 रन की बदौलत अब टीम धीरे धीरे, ये जो दोनों बल्लेबाज है कल शानदार बल्लेबाजी की थी, आज भी वही अग्रेसर में बल्लेबाजी करते हुए राहुल जोगदिया एक बार फिर। और इसी के साथ यहाँ पर पवेलिंग में गेंद आई, 1 रन का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ, गणेश भाई।
सही कहा आपने धीरज भाई, 7 रन हो चुके हैं और अब कुछ लंबे हाथ दिखाने होंगे, गेयर बदलना पड़ेगा इनको, वही दिशा में यहाँ पर, तो एक रन ऐड। अगर कीपर गेंद छोड़ेगा और पीछे जाएगी तो डिक्लेयर है एक रन पीछे, तो प्लस रन मिलेगा। जी हाँ, अगली गेंद राहुल जोगड़िया की और स्क्वायर लेग के ऊपर से मारना चाहते थे, झाड़ के ऊपर लगी, एक रन और। तो अब जो है गियर बदलना पड़ेगा और अगर मैं जीतना है तो आपको कुछ लंबे स्ट्रोक लगाने ही पड़ेंगे, 4 या 6 रन। कुणाल है स्ट्राइक पर, फुल टॉस गेंद, इसी के साथ खेला हुआ है स्ट्रोक, देखते क्या हो सकता है यहाँ पर। तो 4 रन यहाँ पर, ये पहला चौका इनकी इनिंग का यहाँ पर, देखते हुए अपने ही अंदाज में खेल दिया यहाँ पर 13। ग्यारह बॉल 32, 32 रन करने हैं, बड़ा लक्ष्य धीरज भाई। जरूर यहाँ पर यह विकेट मिलती हुई और एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ आदर्श क्रिकेट क्लब को। अब थोड़ा यहाँ पर दबाव है क्योंकि जब पहली बल्लेबाजी जब हुई 45 रन के आसपास का जो चेस करने का आपको यहाँ पर टारगेट मिला, उसी अंदाज में यहाँ पर आपको बल्लेबाजी करने, पहली ओवर की शुरुआत में आपको एक अच्छा रणनीति बनानी थी, एक अच्छे शॉट लगाने थे, जब वहाँ पर आपको एक रन की गति बढ़ानी थी, लेकिन वहाँ पर केवल 3 रन बने और अब स्कोर अब धीरे धीरे थोड़ा रुका हुआ। अब तीसरी ओवर चलती हुई बेहतरीन गेंदबाज सचिन गेंदबाजी करते हुए, हालांकि अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं, बैट्समैन नेम प्लीज, एक बार फिर यहाँ पर लगातार शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन होता। सचिन की अगर मैं बात करूँ तो पिछले जब 26 जनवरी को जो टूर्नामेंट हुई थी शिवा शिंदेवाड़ी के दादर में, वहां पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, यहां पर भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। और अजहर 11 की अगर मैं बात करूं तो उनका हुक्म का इक्का जिसको कहा जाता है वो सचिन, और शानदार उन्होंने अभी ऑन हैट्रिक पर है। अब देखना चाहेगी अगर इस गेंद पर अगर वो अगर एक विकेट सफलता प्राप्त कर लेते तो ऑन हैट्रिक प्राप्त कर लेंगे। और हैट्रिक की अगर मैं बात करूं तो चेतन चौहान भारतीय के जाने माने 1986 में उन्होंने शानदार हैट्रिक प्राप्त की थी। उसके बाद कई ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट में है जो क्रिकेटरों ने हैट्रिक प्राप्त की है और आज यहां पर टेनिस क्रिकेट में सचिन देखना चाहिए हैट्रिक प्राप्त कर पाते या नहीं। बल्ले का बाहरी किनार लगकर गेंद गई थी थर्ड मैन और विकेट कीपर के पीछे, एक रन का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन, यानी कि अभी भी कई रन बनाने, अभी कहते हैं कि दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन ये इतना ये भी नहीं है कि नहीं हो सकता है। आप एक अच्छे आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर में अगर 2-3 शॉट आपके बाहर लगते हैं तो चक्के लग सकते हैं, मैच में बने रह सकते हैं, लेकिन ये रणनीति बनानी होगी, यहाँ पर गेंदबाज के ऊपर हावी होना होगा आपको। जब तक आप गेंदबाज के ऊपर हावी नहीं होगे आपसे ये रन नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ पर अब जैसे कल कुणाल ने जो बल्लेबाजी की थी, एग्रेसिव होकर बल्लेबाजी की थी, ये कुणाल को अब अपना योगदान देना होगा और साथ देना होगा किरण को। जी हाँ, सही कहा आपने, कुणाल को कुछ लंबा स्ट्रोक खेलना पड़ेगा और जैसे कहा वैसे ही यहाँ पर सीधा ही यहाँ पर खेल दिया है अंपायर का इशारा, 4 रन, और ऐसे ही कुछ लंबे स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे और अपनी जीत की जो नैया है वो पार करानी पड़ेगी। काफी बढ़िया स्ट्रोक, अभी भी 7 बॉल का ये गेम बचा हुआ है, 27 रन चाहिए। एक बार फिर यहाँ पर हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर, अंपायर का इशारा हम देखना चाहेंगे, 4 रन। तो 2 चौके बैक टू बैक यहाँ पर जड़ चुके हैं कुणाल, काफी बढ़िया।
पर जितनी भी टीम ने इस क्रिकेट